एक छोटी सी दुविधा समस्या यहाँ पे आ गई है। सी गाइस, दिस इज द थिंग, इसमें दो स्टिक्स ऑलरेडी है और ये नट जब खुलेगा तब टायर खुलेगा और अंदर से पंक्चर बनेगा। अगर ये नहीं खुला तो फिर हो गया काम, मतलब बड़ा प्रॉब्लम, बड़ा इश्यू हो जाएगा। सो गाइज, एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। हम लोग मतलब टायर का पंक्चर तो बना नहीं, उसके बाद में वैसे ही जुगाड़ करके मतलब सर में 10 शॉट है 2000 टेंशन लेके हम लोग निकले तो सही, बट थोड़ी देर बाद मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि इसका मतलब एयर लीकेज तो इतना है नहीं। तो उसके बाद भी गोवा में गाड़ी समवेयर अबाउट 5 डेज खड़ी थी और उसके बाद में हम लोग वैसे ही, मुझे एयर पंप मैंने खरीदा था और पंक्चर किट खरीदा था, बाकी टूल किट तो गाड़ी में पड़ा ही है, तो कहीं पे भी अगर कुछ भी इश्यू होता था तो फिर मतलब आई एम गुड इनफ के मैं कर पाता कुछ ना कुछ, अगर नहीं तो किस्मत खराब तो कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके बाद मैं रिटर्न आया मुंबई और उसके बाद ऑन द वेरी सेकेंड डे औरंगाबाद निकल गया और वापस आया। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अभी गाड़ी का काम करा के लेते, क्योंकि वैसे ही नहीं चला सकते, भले टायर पंक्चर मतलब फिक्स हो गया है बट वैसे गाड़ी नहीं चला सकते, क्योंकि अगर वापस कहीं पे अगर मतलब कुछ और हो गया तो नट तो खोलना ही पड़ेगा बॉस, उसके और कुछ पर्याय नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये भी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ एक बार शेयर करूं, मे बी इन फ्यूचर आप लोगों के भी काम आ जाए, क्योंकि हर दूसरा कोई गाड़ी यूज करता ही है। तो आई डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। हाँ, वैसे मैंने मेरा पर्पस ये वीडियो बनाने का था कि मुझे जो फर्स्ट डे था गोवा का उसको बहुत अच्छा रिस्पांस आया, मेरे लिए काफी है, बहुत मोर देन इनफ है। तो सोचा क्यों ना ये भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, जो प्रॉब्लम तभी हुआ उसका सोल्यूशन भी क्या था और वो मैंने कैसे किया। सो गाइज, आई विल टेक यू डायरेक्टली टू द पार्ट वेयर द रिपेयर वर्क बिगिंस। ओके, स्टे ट्यून्ड, चलो। एंड गाइज, हियर वी आर। ये फैब्रिकेशन सेंटर है जहाँ पे अलग अलग तरीके के वेल्डिंग्स और फैब्रिकेशन के मतलब पता नहीं क्या क्या होता है। तो दिस इज द कल्प्रेट, यही वो बोल्ट है जो खुल रहा नहीं था, नट नहीं खुल रहा था, बोल्ट में फंस गया था और अलग अलग चीज़ें ट्राई की ये खोलने के लिए और ये इसका हालत ऐसे हो गया। आप लोगों में से बहुत लोगों को लगता रहेगा कि ये मेरा एलॉय डैमेज कर रहा है गाड़ी में, ये क्या तरीका है, या ऐसे कुछ नहीं है, इससे कुछ भी डैमेज नहीं होता। जो एलॉय मेटल का मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो अलग है और जो मेटल जो अब नट बोल्ट पिघलाने का जो टेम्परेचर है वो अलग होता है, इट इज़ मच लोअर देन एलॉय, ठीक है। तो इसमें एलॉय को कोई डैमेज नहीं होता एक्सेप्ट पेंट, बट अभी उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं, उसके लिए एक लिक्विड लगाया था, उससे काफ़ी हद तक पेंट बच गया एलॉयज़ का, बट वो तो उस इसके बगैर तो कोई और सॉल्यूशन है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। अगर सर्विस सेंटर में मुझे रिकमेंड किया था लास्ट टाइम कि आप एलॉयज़ को कट करा लो, हाइड्रोलिक से ब्रेक करा लो, उसके बाद में निकालो, मतलब हो गया। सो गाइस, जो अभी आपने देखा कि जो व्हील हब होता है उसके अंदर बोल्ट लगते हैं टायर फिक्स करने के लिए, उसमें से एक था वो स्लिप हो गया था और उसके थ्रेड सब खराब हो गए, उसका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता है जब तक उसको गर्म करके पिघला नहीं देते, और वो भी बहुत तरीके से बहुत संभाल के करना पड़ता है, क्योंकि उसमें अगर कुछ भी लेफ्ट राइट हो गया या गलत जगह पे हीट कर दिया तो इसके बहुत सारे सेंसर्स रहते हैं, जैसे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम TPMS बेसिकली, एंड जो सबसे महंगा सेंसर होता है वो है ABS और वो आता है व्हील हब के साथ में, तो अगर वो ख़राब हो गया तो बड़ा पटका बैठेगा। और ये सॉल्यूशन लेने के लिए अगर आप सर्विस सेंटर जाओगे ना तो वहाँ पे आपको तो
बात ऐसा नहीं है, सर्विस सेंटर में भी दे सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। उनके पास दोगे, वो बनाएंगे एस्टिमेट, उसका क्या बोलते हैं वर्क चार्ट बनाएंगे, उसके बाद में गाड़ी रख लेंगे, चार दिन बाद फ़ोन करेंगे, बोले सर और दो दिन लगेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, इतना टाइम किसके पास है भाई। उनका फैब्रिकेशन का पूरा सेटअप है, तो उनको प्रॉपर पता है कि वो चीज़ कैसे हटानी है, कैसे निकालनी है, कोई और चीज़ को डैमेज किए बगैर। तो वहाँ से अभी वो निकाल के लिया, अभी जा रहे हैं दूसरे शॉप पे, वहाँ पे नया जो नट रहता है व्हील हब के अंदर, वो नया मतलब फिक्स करा के लेंगे और न्यू बोल्ट डालेंगे उसको। सो माय सजेशन इज़ कि अगर कहीं बाहर जा रहे हो घूमने के लिए, तो गाड़ी मतलब ट्राई करना कि टायर के ऊपर ही पार्क करने को, और ध्यान देना मतलब गाड़ी जब निकालोगे तब पीछे आगे पीछे कोई नुकीली चीज़ है या फिर कोई पॉइंटेड या पिन या कीला स्क्रू कुछ भी ऐसे पड़ा हो तो टायर के अंदर गया। और फिर भी माय लक वाज कि वो टायर के सेंटर में गया, टायर का बॉल डैमेज नहीं किया उसने बिल्कुल भी। ओ गॉड, सही है, आज मंडे, आज बंद है, ग्रेट, मंडे इज क्लोज्ड, बैड लक। देखते हैं और दूसरे जगह पे एक और एक ऑप्शन है, वहाँ जाते हैं, वहाँ पे मे भी हो जाएगा, ओपन रहता है वहाँ पे सब कुछ। सिग्नल पे सिग्नल, कितने सारे सिग्नल। चलो मुंबई की भी सड़कें देख लो। सो बेसिकली ये प्रॉब्लम होता क्यों है, इसका बहुत ही शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है कि अगर आपकी गाड़ी का टायर बहुत टाइम से खुला नहीं है और आप घूमने गए हो और समझो 200-200 किलोमीटर गाड़ी चला ली, सो एलॉय व्हील इतना हीट जनरेट करता है कि वो लिटरली नट एंड बोल्ट को इतना हीट करता है कि वो एक्सपांड होते हैं और वो फिक्स हो जाते हैं जब वो ठंडी हो जाती है। सो उसके बाद आप कितना भी ट्राई करो वो नहीं खुलते, और वो खुलने का सोल्यूशन सिर्फ ये ही है, इसके अलावा और कोई सलूशन नहीं है। अगर कुछ होगा तो श्योरली मुझे भी बताओ, मुझे भी समझ में आ जाएगा, बट मेरे हिसाब से इसके अलावा और कोई सलूशन नहीं है। सो गाइस बस इतना ही, इसके आगे कुछ खास था नहीं दिखाने के लिए क्योंकि टायर फिक्स कर दिया और सारे नए व्हीलनट्स लगा दिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो श्योरली लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कुछ भी करो, बस घर के अंदर रहो क्योंकि लॉकडाउन पीरियड चालू है एंड इट्स नॉट एट ऑल सेफ आउट देयर। अपने हेल्थ का ध्यान रखो, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाओ और अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो क्योंकि ऐसा मौका फिर कब कहाँ मिलेगा। ओके चलो गाइज, सी यू सून अगेन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।